स्टूडेंट्स, दिस इज़ सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जिसमें हमने देखा था उनकी, हमने पूरी थोड़ा बायोग्राफी के बारे में हमने रीड किया. फिर हम 20 जून पर आए, जिसमें वो अपने स्कूल का इंसिडेंट्स बता रही थी कि सारे टीचर्स किस तरीके से बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं, क्योंकि उनको स्टूडेंट्स का प्रमोशन करना है, किसी का डिमोशन करना है. और फिर वो आई अपने मैथ्स टीचर के ऊपर. सो वो बता रही थी कि जो उनके मैथ्स टीचर है वो उनसे बहुत ज़्यादा अनॉयड रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, और इसी वजह से उनको दो ऐसे लिखने को दिए थे. एक था चैटर बॉक्स एंड द सेकेंड वॉज एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स जो उन्होंने दोनों ऐसे लिखे थे वो बहुत ही फनी थे. दोनों ऐसे पढ़ के मिस्टर कीजिंग बहुत हंसे, और थोड़े टाइम तक फिर उन्होंने उनको पनिशमेंट देना भी बंद कर दिया. लेकिन उसके बाद वापस एन फ्रैंक उतना ज़्यादा ही बात करने लग गई, और वापस मिस्टर कीजिंग उनसे बहुत परेशान हो गए. एंड देन वो एन फ्रैंक को एक और ऐसे लिखने के लिए देते हैं, दैट इज़ क्वैक 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 से मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. तो इस टाइम एन फ्रैंक सोचती है कि इस ऐसे में वो थोड़ा सा डिफरेंट कुछ लिखना चाहती है. सो वो अपनी फ्रेंड की हेल्प लेती है. उनकी फ्रेंड का नाम था सेन, सेन उनकी फ्रेंड का नाम था. तो वो उनसे थोड़ी हेल्प लेती है. क्यों? क्योंकि उनको कुछ पोयम वे में ये ऐसे लिखना था. तो जो उनकी फ्रेंड थी सेन, वो उनकी हेल्प करती है इस पूरे ऐसे को लिखने में. तो इस ऐसे में वो कुछ इस तरीके से लिखती है कि एक फादर डक थे और एक मदर डक थी, और उनके कुछ डकलिंग्स थे, दैट इज़ उनके बेबीज थे, और वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते रहते थे, पूरे टाइम क्वैक क्वैक करते थे. सो इसीलिए उनके फादर ने उनको पनिशमेंट दी और उनको इतना मारा कि वो मर गए. सो ये ऐसे वो मिस्टर कीजिंग को बताती है, और ये ऐसे देख कर भी मिस्टर कीजिंग इस ऐसे को बहुत ही जोक वे में लेते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे है इसमें एन फ्रैंक उस फादर डक को मिस्टर कीजिंग से कंपेयर करती है, राइट? क्योंकि यहाँ पर जब एन फ्रैंक बहुत बातें करती है तो मिस्टर कीजिंग उनको बहुत पनिशमेंट देते हैं, उनको इतने ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं. और जो ऐसे एन फ्रैंक लिखकर लेकर आती है, उसमें भी वो एन फ्रैंक यही बताती है कि किस तरीके से उनके फादर उनके डकलिंग पे को इतना ज़्यादा क्वैक क्वैक करने पर मार देते हैं. तो इस पूरे ऐसे को मिस्टर कीजिंग एज अ जोक लेते हैं. वो और भी दूसरी क्लासेस में जाते तो वहाँ पर भी इस ऐसे को बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं. लेकिन एक चीज़ उसके बाद बहुत अच्छी हो जाती है कि मिस्टर कीजिंग एन फ्रैंक को डांटना बंद कर देते हैं. अब एन फ्रैंक जितना चाहे उतना बात कर पाती है. क्यों? क्योंकि वो इस ऐसे की वजह से, ये ऐसे मिस्टर कीजिंग ने जो एक जोक की तरीके से लिया था, वो उन पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी हुआ इस ऐसे का. सो बहुत अच्छा होता है, इस ऐसे के बाद वो जितना चाहे बात भी कर पाती है, और मिस्टर कीजिंग भी उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहते. सो यहाँ पर ही हमारी बहुत ही फ़नी, बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है. जैसा कि मैंने कहा था कि ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये एक डायरी है. डायरी में से एक एक्स्ट्रैक्ट निकाला हुआ है. कौन सी डेट को ये लिखी गई थी? 20 जून को, राइट? अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो है, जो है वो ये है कि कौन से इंसिडेंट्स के बाद मिस्टर कीजिंग का बिहेवियर एन फ्रैंक के लिए चला जाता है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर कीजिंग एक थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर है, और एन फ्रैंक के आप जो ऐसे है उसका इम्पैक्ट ऑन मिस्टर कीजिंग? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि आप हर क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे अगर आपकी स्टोरी बहुत ही थरू रहेगी. सो श्योरली आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी. लेकिन फिर भी जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, इसके अंदर जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, जो इंग्लिश की लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए ये चैप्टर को, चैप्टर की वीडियोस देखने के बाद आप इस चैप्टर को एक बार वापस से पूरा पढ़ेंगे, और फिर कुछ डाउट्स होगा तो आप डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में और मेरे को मैसेज करके आप इसके डाउट्स पूछेंगे.